Morning. Good morning. अभी समझो वो डेंट कौन करता है वहाँ पे, वो डेंट कौन करता है वहाँ पे? मैं ही हूँ वो, मैं समय हूँ। फ्रेश आए थे। कहाँ ही फ्रेश आया था मैं, धूल मिट्टी में लता पता आयो। सफारी आ गई है, जो फेंडर और डोर में प्रॉब्लम था ना, रिपेंटेड था, तो उसका फेंडर एंड डोर रिप्लेस हुआ है अभी। तो एक बार आने के बाद चेक कर लेंगे अभी कैसे बिठाया कैसे किया है। पहले तो मान नहीं रहते कि रिपेंटेड है, फिर बाद में जब उनको रीडिंग वगैरह दिखाई, फिजिकली जाके गाड़ी चेक करवाया, तब बोले हाँ रिपेंटेड है, फिर एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने। आखिरकार कस्टमर ने बोला मुझे तो नए पैनल चाहिए, वो तो रिपेंटेड नहीं चाहिए। तो उन्होंने वहाँ पे एक सेम सफारी खड़ी थी, तो उसी के डोर और फेंडर निकाल के ये गाड़ी में लगा के कस्टमर को दे दिए। अभी वो गाड़ी में ये उसके जो डिफेक्टिव पैनल थे वो चले गए। अभी अगर वो कस्टमर को समझा तो ठीक है, नहीं समझा तो फिर वैसे ही वो बोलेंगे भी नहीं उनको। वहाँ पे प्रॉब्लम था ना, यहाँ पे अभी इसमें नहीं है कोई दिक्कत। ये अल्फाबेट्स भी उसमें ये हो रहे थे, मूव हो रहे थे, लूज थे ना। ये पूरा डोर उन्होंने मिरर के असेंबली के साथ रिप्लेस किया। सेम मॉडल था तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब सब सेम ही होगा इंटीरियर वगैरह भी। यहाँ पे पेंट निकल रहा था ये लाइन के एज पे, अभी इसमें कुछ दिक्कत नहीं है, ये एकदम ठीक है। चलो कस्टमर का फायदा हो गया, कस्टमर को तो अच्छे पैनल मिले, तो अभी हम इसके ऊपर पीपीएफ कर सकते हैं। कस्टमर ने बोला अभी जल्दी से डिटेल कर दो और पीपीएफ कर दो, हो गया सैंडिंग करके डालते हैं डिटेलिंग में। बीच में बात हुआ था मीटिंग में वॉशरूम बनाना एक्स्ट्रा, यहाँ पे बहुत तकलीफ हो रहा है एम्प्लॉयज लोगों को, तो अभी वॉशरूम का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया है आज से हमने। रॉ मटेरियल आ गए हैं, थोड़ा गाड़ियाँ अभी साइड करनी पड़ेगी, मटेरियल अंदर लेना है। ये दो गाड़ी अंदर ले लो ना। कब अभी ले रहा है इसकी गाड़ी? है हर्षल की गाड़ी है, जो हमने करीब 3 साल पहले पेंट करी थी। भाई साहब को थोड़ा टाइम मिला है और पैसा खर्चने का मूड बना है, तो अब वो अपनी गाड़ी पे अलग अलग चीजें चेंज करवा रहा है। क्या क्या कर रहे हैं? अलॉय व्हील और टायर चेंज कर रहे हैं, बम्पर किट चेंज कर रहे हैं, स्पॉइलर लगा रहे हैं, लिप लगा रहे हैं, हेडलाइट टेल लाइट भी चेंज हो चुकी है, डिटेलिंग करनी है गाड़ी, इंजन भी चेंज करा ले। जरूरत तो है ही, सबसे ज्यादा जरूरत उसी की है। तो इंसानों वाली भाषा में बात किया करना, RCD 340। चलो बढ़िया है, कराओ गाड़ी, इसको तो पेंटिंग में डालेगा पहले। मुझे तो पता भी नहीं था एग्जैक्टली कहाँ पे क्या कर रहे हैं, कब इसकी बात होगी। हमने सिर्फ डिस्कस किया था ये करेंगे, पापा ने कब लेबर से बात भी कर ली, बुला भी लिया, माल भी आ गया और अब काम भी चालू हो गया। यूरिनल बना रहे हैं ना? एक यूरिनल बनाएगा, यहाँ पे एक आएगा। अच्छा ना, लेबर को सहूलियत हो जाएगी। क्या होता था वहाँ पे, एक ही वॉशरूम था, पहले दो थे एक्चुअली, सबसे पहले एक ही था, एक जो था वो हम यूज करते थे, फिर जब हमने ऑफिस ऊपर शिफ्ट किया तो लेबर को दोनों मिल गए थे, फिर जब हमने कार्ले का ऑफिस बनाया तो एक वॉशरूम वहाँ पे डेडिकेटेडली हमने दे दिया क्लाइंट्स के लिए और स्टाफ के लिए। अपने लेबर लोगों के लिए एक ही वॉशरूम बचा था, तो भीड़ हो जाती थी, फिर पूरा घूम के जाना पड़ता था सबको वहां तक। तो इधर क्या होगा, बीच में आ जाएगा ना कॉमन, तो जिसको भी एक्सेस करना है आराम से कर पाएगा, टाइम भी थोड़ा सेव होगा सबका और कन्वीनियंस भी हो जाएगी। खराड़ी में तो एक भी नहीं था, वो भी बात सही है। हमारी जो पहली दुकान थी इससे पिछली वाली, वहाँ एक भी वॉशरूम नहीं था। सामने होटल था ओयो होटल, हम वहाँ से विनते करके उनसे खाना मंगवाते थे, वहाँ से थोड़ा खाना खा के उन्हें पैसे देते थे, रिक्वेस्ट करके वॉशरूम यूज कर लेते थे। मजबूरी में क्या क्या करना पड़ता है आदमी को। चलो बढ़िया, स्ट्रगल तो ये था भाई कि वहाँ पानी नहीं पीते थे, जान के पानी इसलिए नहीं पीते थे कि वॉशरूम ना जाना पड़े ज्यादा, किडनी स्टोन हो गए लोगों को वहाँ काम कर करके, बट हमने कभी उस चीज को प्रायोरिटी नहीं दी, हमने हमेशा काम को प्रायोरिटी दी। नहीं चलो बढ़िया है, करवाओ। फाइनली मैं मेरी गाड़ी मेरे मन के मुताबिक बना रहा हूँ। आप लोगों को तो पता ही होगा कि मैं इस गाड़ी से कितना अटैच्ड हूँ। इस गाड़ी को अभी पेंट हुए 3 साल हो गए। मैंने पिछले साल इसके हेडलाइट्स एंड टेललाइट्स अपग्रेड किए थे। इस साल मैंने सोचा है कि पूरा इसको बाहर से एक्सटीरियर न्यू लुक दिया जाए। सारे जो बम्पर्स हैं, ये जो पार्ट्स दिख रहे हैं, सारे लेटेस्ट पोलो के हिसाब से 2020 में जो फेसलिफ्ट आया था उसके है। उसके अलावा मैंने कुछ एक्स्ट्रा चीजें ऐड किए हैं जो मैं बताना चाहूंगा। एग्जॉस्ट टिप्स, 3 फिन डिफ्यूजर, अलॉय व्हील, 17 इंच शॉक फिन एंटीना, ये कुछ नए पार्ट्स है जो मैं अलग से कर रहा हूँ। पीछे मैंने ये GTI स्पॉइलर पिछले साल ऐड किया था, तो अभी
एक्सटीरियर से पूरा नया लुक होगा। ये फ्रंट बम्पर रियर बम्पर पेंट होने के अलावा मेंटेनेंस के लिए मैंने पूरी गाड़ी रबिंग पॉलिश करने की सोची ताकि फ्रंट बम्पर और ओवरऑल गाड़ी में कलर डिफरेंस ना दिखे। 4-5 दिन में मेरी गाड़ी पूरी रेडी हो जाएगी, आपको ये थ्रू आउट द ब्लॉग्स दिख जाएगा अच्छे से। क्या है गणेश सर, ये मिल रहा है मेरे को वेंग्स के लिए वजन काटा, जो अपना पीपीजी का था ना वो इलेक्ट्रॉनिक वाला वो है। आप तो गिफ्ट बोले, पेमेंट भी करना पड़ता है क्या? गिफ्ट के लिए पेमेंट देना पड़ता है ना, रिटर्न गिफ्ट। सुनो उधर रख दोगे ना आप, अभी नहीं खोल रहे ना? अभी खोल दूंगा। से बात हो गई है, अभी वेइंग स्केल आ गया है, 1 तारीख को पूरा स्टॉक ले लेंगे और फिर स्टार्ट कर देंगे। ये वाला कुछ मैनुअल है तो पार्ट्स पार्ट्स में आया है, इसको तो असेंबल करना पड़ेगा। फीचर्स तो है इसमें, देखो ना वो नॉर्मल है, वो बोल रहे थे इसको USB कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे है ये देखो, ये पूरा डिजिटल रहेगा, जो भी हम उसमें कलर डालेंगे वो कंप्यूटर में अपने आप अपडेट कर देगा और वो बताएगा फिर वो अपने पास स्टॉक में कितना बचा है कलर, उसके हिसाब से स्टॉक का रिपोर्ट मिल जाएगा, तो स्टोर का काम काफी आसान हो जाएगा इस चीज से। क्या हाल है? बढ़िया। कब तक पूरा होने का प्लान है? लगेगा 2-3 दिन। लाइट का और टॉयलेट का प्लास्टर होने के बाद, टाइल वगैरह सब सब बेटा हो गया। कर लो, चलो बढ़िया, सही है। एक दिन में इतना काम खींच दिया यार, तो 2-3 दिन लगने अभी पूरा कंप्लीट होने में। आइडिया बताया था। हाँ, यहाँ एक यूरिनल और वॉश बेसिन बना रहे हैं, तो यूरिनल भी एडिशनल रहेगा और हाथ वाथ धोने के लिए भी हो जाएगा और एक टॉयलेट भी एडिशनल बन जाएगा, तो उधर के लोग उधर चले जाएंगे, इधर के लोग इधर आ जाएंगे। अभी तो कार व्हील्स वगैरह जो किया ना, हाँ देखा मैंने, व्हील्स पेंट किए, PPF किया, क्रोम भी सारा हटा दिया। थैंक यू ट्यूजडे। हाय, मेरा नाम जस्टिन है, मेरी वाइफ से नायमी, हम लोग वसई से, बॉम्बे से। मैं ब्रोटोमोटिव को पहले से ही बहुत फॉलो कर रहा था, तो हमने जैसे नया कार लिया उसके नेक्स्ट दिन ही डिलीवरी लेके हम लोग इधर आ गए, तो घरवारे का PPF किया और जो भी क्रोम पार्ट्स था सबको ब्लैकआउट किया खुद का एडिशन बनाने के लिए। टू बी रियली फ्रैंक, ऑसम, लव्ड इट, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर एवरीथिंग यार, थैंक यू सो मच। सर, फ्रॉम द स्केल ऑफ 1 to 10, हाउ मच वुड यू लाइक टू रेट अस? 100 आई वुड से। अपना सुपर के डोर बिल्डिंग्स के कॉस्टिंग आ गए हैं। ओके, 4,300, 4,280 ये हैं, ये 3,350 में ये लग रहा है, कुछ गलत उसने किया लेकिन 4,350 के आसपास है, मतलब एवरेज एक 4,000 रुपए का कॉस्टिंग है। तो 4 का वो लगेगा। मोनोग्राम कौन सा है ये? फेंडर के दोनों है या एक है? एक का कॉस्टिंग इतना है। अरे बाप रे, लेंगे तो फिर 7,500 के आसपास। तो फेंडर मोनोग्राम छोड़ देते हैं। हाँ, ये छोड़ देते हैं। पीछे का ग्लास का रबर सेपरेट नहीं आता, ग्लास पूरा लेना पड़ता है, 28,000 का ग्लास है वो, ठीक है वो अवॉइड कर सकते हैं। ETA 4 to 5 days। तो ठीक है, 4 बेडिंग मंगवा ले, कलर फाइनल हो गया, रिक्वेस्ट डाल दी तूने? कल सुबह डाल देता हूँ। हाँ, रिक्वेस्ट डाल देता, ठीक है। RC तो आ गई थी उसके 1 हफ्ते पर पहले, चालू कर देते हैं फिर, ठीक है। हाँ, फिलहाल तो मैं मेरी गाड़ी के लिए ज्यादा एक्साइटेड हूँ। यार थोड़ा सा हमारी गाड़ी के लिए भी हो जाए, जैसे हम तेरी गाड़ी के लिए एक्साइटेड है। अब आपकी गाड़ी के लिए एक्साइटेड हो, मैं मेरी गाड़ी के लिए एक्साइटेड हूँ, मैं तेरी गाड़ी के लिए भी एक्साइटेड हूँ, बट तू मेरी गाड़ी के लिए एक्साइटेड नहीं है। दिखाया नहीं ना, मैंने दिखाया कि मैं एक्साइटेड हूँ मेरी गाड़ी के लिए, मैं मेरे हिसाब से बना रहा हूँ ना, मेरे मन के हिसाब मतलब, मतलब मैं 4-5 साल से इंतजार कर रहा हूँ, मेरी गाड़ी बनाऊंगा, मैं आज बनाने की सोच रहा हूँ, बन रही है मेरे मन के मुताबिक। दोनों गाड़ी साथ में, इसकी गाड़ी होल्ड करवा दे, अपनी गाड़ी बनाते पहले। कल डिटेलिंग कर लेंगे, हार्ड ऑर्डर वगैरह निकाल के स्टार्ट, दोनों का साथ में शूट करेंगे। ऑक्टाविया पोलो कौन सी? सुपर्ब, ऑरेंज ग्रीन, ग्रीन 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 ऑरेंज, सोच रहे हैं ग्रीन 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 कौन सी गाड़ी है ये ग्रीन? लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हम गाड़ी का कलर चेंज का रिक्वेस्ट डाल रहे हैं, आई थिंक एक आध वीडियो पहले किया था। पार्ट्स का कॉस्ट निकालना बचा था, जो वन टाइम पार्ट्स रहते हैं चेंज करने पड़ते हैं, जैसे डोर की बिडिंग्स रहती हैं, तो उनके कोटेशंस आ गए हैं, तो वो अभी ऑर्डर डालने हैं। फेंडर पे जो LNK का लोगो आता है वो एक लोगो 3,700 कुछ का है, तो उसके लिए हम थोड़ा सोचेंगे कि करना है कि नहीं करना, पुराना लोगो कैसे बिठाएंगे, क्योंकि वो इतना पतला है ना, पीछे से उस पर डबल साइड टेप वापस बिठाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। दैट वॉज दी ओनली रीजन वाई वी वर लुकिंग कि हम नया डाल दें,
3,700 × 2 मतलब 7,500 के लोगो डालने से तो अच्छा है कि इधर हम बिना लोगों के चला लेंगे या पुराने लोगों पे कुछ जुगाड़ करने की कोशिश करेंगे। पार्ट्स का ऑर्डर डालते हैं, 4-5 दिन में पार्ट्स आ जाएंगे, कल गाड़ी का शूट चालू करते हैं और उसके बाद प्रोजेक्ट चालू। आई होप आप एक्साइटेड होंगे इस प्रोजेक्ट के लिए, एंड इस पे हम मेन वीडियो भी बनाएंगे और जितना हो पाएगा हम ब्लॉग में भी डिस्कस करेंगे। हमारे वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू, आपसे मैं मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट। चले गणेश? चलो गुड नाइट। गाड़ी पे जितना टाइम लगना है ना, मेरे लिए तो फायदेमंद है, मैं जितना जल्दी निकालूंगा, पर हमारे यहाँ जो ऑप्टिमम टाइम लगता है हम उतना लेते हैं। हर किसी का हार्ट रिप्लेसमेंट सेम नहीं होता ना, किसी का फैट ज्यादा होता है, किसी के मसल ज्यादा होते हैं, किसी का स्ट्रक्चर अलग होता है, कोई कमजोर होता है, किसी की उम्र ज्यादा होती है, किसी की उम्र कम होती है। हर सर्जरी को सेम टाइम तो नहीं लग सकता। कोई डॉक्टर आके पूछेगा जी उसकी सर्जरी तो आपने 3 घंटे में करी, मेरी आप 2 में कैसे कर रहे हो, मेरी ठीक से नहीं करी आपने, कोई लॉजिक थोड़ी है। जिंदा हो तुम?